गाइस वेलकम टू डायनामाइट वर्ल्ड, वेलकम टू गनीना वर्ल्ड। अभी अभी हम एक मेंटेनेंस ब्रेक से निकले हैं और हमें मिले हैं कैरेक्टर, मोको, गन्स और पेट्स। तो गाइस अब आप लोगों को बात बता दूं, जो हमारा 10K स्पेशल इवेंट चल रहा है उसमें हम लोग 5 ताइक्वांडो और 5 मेगुल कैरेक्टर देंगे। इसका वीडियो अभी नोटिफाई करने के लिए आगे डाल रहा हूं। बट अब हम बात करते हैं जो हमारा सीजन 9 का इलाइट पास आ रहा है वो क्या होगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं, जो सीजन 9 का इलाइट पास आ रहा है उसमें सिंपल सी चीज़ है कि अभी अभी हमने गेम्स में क्या देखा, फिट देखा है और हमने देखा है जो स्कोर में कलेक्शन में इमोट में जाके एक इमोट कौन देखा है जो नया आ रहा है, तो वो 100% कंफर्म करता है कि ये जो लीक है, मैंने पहले भी बोला है कि हमेशा गरीना 2 बनाता है सेट, तो वो वाली लीक फेक थी और ये वाली लीक जो है बिल्कुल श्योर है क्योंकि इसकी डाटा माइनिंग भी की गई है। जिसने भी किया है मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरी उनसे कोई ऑफिशियली बात नहीं हुई, नहीं तो मैं उनको क्रेडिट भी देता। तो भाई सबसे पहले ये जो सीजन 9 का लाइट पास आया है इसका नाम है एंटी बम स्क्वाड। ये पूरा एंटी बम स्क्वाड के ऊपर बना हुआ है। जो हमारे बम होते हैं और जो बम दस्तावेज आते हैं, जो बम होते हैं लगे हुए, उनको डिसएक्टिवेट करने, डीएक्टिवेट करने आते हैं अपनी जान के जोखिम पे खेलने। ये उनको एक तरीके से वैल्यू दी गई है और उनके लिए बनाया गया है इंस्पिरेशन के लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप देखिए पेट का है और साथ में आपको इमोट कॉन मिलेगा जो 100% ये प्रूव करता है कि यही है जो इस बार आएगा क्योंकि अभी अभी गेम में पेट भी आए हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये बात हो गई कि ये इलाइट पास आ रहा है, श्योर है। तो अब देखते हैं इस इलाइट पास में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले जो गाइज हमारे इलाइट पास होल्डर होंगे उनको एक जैकेट मिलेगी सिंपल सी 0 बैचेस वगैरह से, और पेट का फूड मिल रहा है, फिर एक्सपीरियंस कार्ड वगैरह मिलेगा जो कि उनका एक्सपीरियंस गेन कराएगा डबल स्पीड से 100% तेजी से। साथ में आप देखेंगे इसमें और क्या है, जो नॉन इलाइट, जो ऊपर नॉन इलाइट हैं उनको क्या है कि आपका सबसे पहले एक बैनर सिंपल सा मिलेगा, फिर वेटरन मोड अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। वेटरन मोड के बाद आपका आगे आप देखेंगे एक फ्रेगमेंट कैरेट है। तो ये पेट वाला जो अभी सिस्टम है उसको क्लियर करता है कि हाँ पेट फूड आ रहा है, तो मतलब यही लाइट पास आने वाला है अगला। साथ में आके 100% एक्सपीरियंस कार्ड, फिर आपको एक स्केटबोर्ड मिलेगा, ज़्यादा खास नहीं है, स्केटबोर्ड जो है वो सिंपल सा रहेगा और सिंपल से स्केटबोर्ड में आपको जो भी वो इफेक्ट दें वो उसका मुझे नहीं पता। वेटरन आपका 10 बैच पे होता है तो ये साफ करता है कि 10 बैच पे मतलब आपको 5 बैच पे पेट फूड मिलेगा। तो आपको कई सारे इसमें पेट फूड भी मिलेंगे। ये स्केटबोर्ड आपको मिल रहा है टोटल 20 उस पे बैचेस पे, और इसका जो इमोट कॉन है वो भी मैं बता दूंगा किस तरीके का इसका सिंबल है, जैसे हर बार आइकन होते हैं, ठीक है। पहले गियर बैच था, इस बार गोल क्विक बॉल थी, पोकेमॉन बॉल टाइप से मिलती थी। तो फिर आगे आपको एंटोनियो के फ्रेगमेंट मिलेंगे 100, ठीक है। फिर आगे आपको मिलेगा गोल्ड, गोल्ड के बाद आपको एक मिलेगा पैराशूट, नॉन इलाइट्स को मिलेगा एक गोल्ड रॉयल वाउचर। साथ ही में ये गोल्ड जो गोल्डन से रिलेटेड थोड़ी थीम है, देखिए ब्लास्ट बनाया, तो एंटी बम स्क्वाड की थीम दी गई पैराशूट पे, समन एयर ड्रॉप गोल्ड, फिर ऊपर समन एयर ड्रॉप, फिर गोल्ड रॉयल पास, फिर एक स्कार की स्किन मिल रही है। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है कि स्किन मिली, अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि ये खाली अपीयरेंस के लिए है या इसमें डैमेज, एक्यूरेसी ये सब डिसबैलेंस किया गया है या जो भी है। और साथ में आपको मिलेगा एक डायमंड रॉयल वाउचर, फिर ऐसे ही आगे एक अवतार मिल रहा है, ऊपर गोल्ड मिल रहा है, स्कैन मिल रहा है, साथ में बॉनफायर अनलिमिटेड कार्ड मिल रहा है, फिर गोल्ड मिल रहा है, फिर गोल्ड रॉयल वाउचर मिल रहा है। तो हर इलाइट पास में देखा जाता है 5 गोल्ड रॉयल पास और 5 डायमंड वाउचर तो हमें मिलने ही मिलने हैं। साथ में हमारा फिर गोल्ड, फिर एक बैनर मिल जाता है हमें पीछे, उसमें भी देखिए आप पूरा एंटी स्क्वाड से रिलेटेड थीम है, 100 डायमंड के वाउचर की छूट मिल रही है। साथ में एक आपको ऊपर नॉन इलाइट को एक अवतार मिल रहा है जिसमें बम बना हुआ है दखता हुआ, तो वो भी एंटी बम स्क्वाड से रिलेटेड थीम है। साथ में आपको क्या मिल रहा है, एक जैकेट मिल रही है, वो जैकेट थोड़ा उसमें भी थोड़ा है धमाकेदार लग रही है देखने में क्योंकि हमारा नाम है डायनामाइट गेमर्स, तो वो थोड़ा डायनामाइट से रिलेटेड इस बार थीम दी गई है। और साथ में डायमंड रॉयल वाउचर, तो 5 डायमंड वाउचर तो मिलेंगे डायमंड रॉयल, फिर फ्रेगमेंट कैरेट और ये सब। उसके बाद अब देखिए अल्टरनेट चलता है, पहले लड़के की एक ड्रेस दे दी जाती है फिर लड़की की, तो अभी हमें पिछली बार में लड़के की मिली है तो इस बार लड़की की ड्रेस पहले मिल रही है और लड़के की हमें बाद में मिलेगी। तो ये एक और श्योर करता है कि भाई यही इलाइट पास आने वाला है, ये श्योरिटी भी कन्फर्म्ड है। तो लड़की का ये देखिए आपको स्कल मतलब जो इसका मास्क वगैरह है एंटी, बिल्कुल आप समझ लीजिए एंटी बम स्क्वाड की तरह है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लैस, लेजर लाइट लगा हुआ पूरा। तो ये ड्रेस पूरी एंटी बम स्क्वाड की है और एंटी बम स्क्वाड बहुत अच्छी थीम है, इन्होंने जो सोचा है काफ़ी अच्छा है। गेम में लैंडमाइन वगैरह भी आई है तो उससे रिलेटेड इन्होंने काफ़ी चीज़ें दी हैं जो गेम में होना चाहिए। तो एंटी बम स्क्वाड इन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक दी है और इसका एक एक ड्रेस भी बहुत यूनिक है। साथ में आप देखेंगे तो ओवरऑल ड्रेस भी जब ये पूरी सेटअप पहनेगी तो आपको लगेगा कि हाँ ये कौन सी दुनिया के प्राणी है, जबकि ये इसी दुनिया के प्राणी, आपको लगेगा हॉलो से थीम चुराई है कहीं से। फिर आपको स्कैन मिलेगा अनलिमिटेड,
साथ में आपको वुकोंग का फ्रेगमेंट मिलेगा जो न्यू कैरेक्टर है, साथ में M79 जो ग्रेनेड लॉन्चर है उसकी एक स्किन मिल रही है। अभी भी नहीं कह सकते कि इसकी एक्यूरेसी और डैमेज घटाया बढ़ाया गया है या नहीं। साथ में गोल्ड का एक आपको वाउचर मिलेगा जो 100% बढ़ा देगा। अब आप देखिए जो यूनिक सा टाइम बम जैसा लग रहा है, ये एक्चुअली में डेथ बॉक्स की स्किन है, जो हम मारते हैं सामने वाले बंदे को तो उसकी जो लाश रखी रह जाती है वो ऐसी दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये एक टाइम बम की स्किन दी है जो कि एंटी बम स्क्वाड से रिलेटेड है, कि हम जो एंटी ये आपका बम फ्यूज करने आते हैं, डिफ्यूज करने आते हैं, उस तरीके से बिल्कुल मैच करती हुई थीम दी गई है। साथ में पेट का खाना फिर से नॉन इलाइट्स को भी दिया गया है, ऐसा नहीं खाली राइट्स को मौका मिला, नॉन इलाइट्स को भी मिला है। साथ में आपका गोल्ड रेले पास, मोको करेक्टर के फ्रेगमेंट, ये बैग आया है। ये बैग देखिए, आपको ये बैग नहीं लग रहा है जो छोटे से टैंक भेजे जाते हैं जो बम को डिटेक्ट करते हैं, ये उसकी तरह बिल्कुल कि एक रोबोट टैंक जाता है बम डीएक्टिवेट करने, बिल्कुल सेम वही थीम एंटी बम स्क्वाड की अगेन बैग पे भी देखने को मिली है। फिर आपका एक रिसप्लाई मैप है, फिर आपका बाउंटी टोकन है, फिर गोल्ड है, फिर मोको कैरेक्टर के वो हैं, तो फिर बैनर आ जाता है, फिर एक टी शर्ट आ जाती है, वो भी डायनामाइटो से मिलती जुलती है, धमाकेदार लोगो बना हुआ है। उसके बाद आपको रिसप्लाई, फिर पेट फूड मिलता है। ये देखिए इमोट जो आपको अपने कलेक्शन में स्टोर में जाके कलेक्शन में देखिएगा, कलेक्शन में इमोट सेक्शन में ये आपको इमोट मिलेगा जो 100% श्योर करता है कि ये आना ही आना है। उसके बाद आपको गोल्ड, फिर स्केट बोर्ड मिल रहा है जो कि धुआं छोड़ रहा है और काफ़ी कंकाल खोपड़ी टाइप का और एंटी स्क्वाड के थीम पे बना हुआ है, हेलमेट वेलमेट से मिलता हुआ लड़की के, फिर मोको कैरेक्टर, फिर वो। इस बार यूनिक बात यह है कि एक इक्यूबलेटर मिल रहा है, इक्यूबलेटर जिससे कि हमें यूनिक यूनिक ड्रेसेस अनलॉक करते हैं अपने मन चाहे कलर की और उसकी, तो इक्यूबलेटर मिल रहा है। आगे के लाइट पासेस में अब ये इक्यूबलेटर भी देखने को मिला करेगा, तो अच्छी चीज़ है और इक्यूबलेटर शॉप अब हमेशा रहा करेगी गेम में, ये चीज़ कन्फर्म हो रही है। तो इक्यूबलेटर एक अच्छी चीज़ है जो हम लोगों को मिला करेगी और हम उससे मन चाहे अपने ड्रेस ले पाएंगे, जैसे लाल जुकर, पीला जुकर या कुछ, या जैसे पिछली बार डाइनो का आया था कि हमें हरा डाइनो, काऊ वाला डाइनो या कोई और डाइनो, गैलेक्सी वाला डाइनो लेना है। साथ में ये बैग नॉन इलाइट्स को मिलेगा, इस पे भी देखिए आप टाइम बम वाली और वो पूरी थीम दी गई है, तो नॉन इलाइट्स को एक बैग मिल जाता है नया। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, ये बैग तो सिंपल है, उसके नीचे जो ड्रेस है जो इलाइट पास वाले होल्डर्स को मिलेगी, भाई यार वो ड्रेस देख लो तो तुम मतलब लगेगा कि हाँ भाई कुछ इलाइट पास हमने परचेज किया है, बिल्कुल उससे मतलब बारूद झड़ती हुई हाथों के पास से, बिल्कुल टेक्नोलॉजी से लैस, बिल्कुल आए हैं बम डीएक्टिवेट करने, और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वाला सूट पहने हैं कि कुछ हो भी जाए तो भी चोट ना लगे। इतना ये देखो बिल्कुल मतलब स्कल मास्क का थोड़ा प्रिंट पड़ा हुआ है आगे हेलमेट पे, साथ में जैकेट वैकेट, इतनी प्रूफ है कि अंदर आपकी चिंगारी तक ना पहुंचे। तो गाइज ये आया है सीजन 9 का इलाइट पास और ये श्योर है कि ये आएगा ही आएगा, और जब ये आएगा तो बहुत धमाका मचाएगा, और जब धमाका मचाएगा तो यार डायनामाइटो तो डायनामाइटो को भूलिएगा नहीं, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। ये सारे रहे आपकी डिटेल, और बड़ा रिस्क लेके किया है भाई, क्योंकि अब बड़ा हाइड भी करना पड़ेगा इन लोगों का, तो आप लोगों का एपीरियंस उतने क्लियर नहीं मिलेंगे, बट हम ट्राई करेंगे कि आपको पूरे के पूरे एपीरियंस क्लियर मिले। तो थैंक यू सो मच, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा हो सके आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। बाय बाय, बी डायनामाइट, बी बूया।